तो टॉपिक इज एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इन एस एंड पी ब्लॉक, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इन एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबल गैस डिफर इन मेनी एस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप. दैट मीन्स हीलियम टू फ्लोरिन, सॉरी लिथियम टू फ्लोरिन, दैट विल बी सेकेंड पीरियड एलिमेंट. फर्स्ट पॉइंट, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट नेचर. ये जो अल्कली मेटल होते हैं वो अल्कली मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनमें जो दो, ये जो दोनों है, कल भी बोला था मैंने, ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो इसलिए इनसे इनका बिहेवियर क्या है? अलग है. तो इसी को बोला जाता है एनोमेलस बिहेवियर. मतलब ये दोनों कोवैलेंट बना रहे हैं और ये सब क्या बना रहे हैं? आयनिक. तो ये इनके साथ अलग डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है. नेक्स्ट, लिथियम बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड और रेस्ट ऑफ द ग्रुप फॉर्म आयनिक बॉन्ड. सेकेंड पॉइंट क्या है? थर्ड ए ग्रुप, द ग्रुप मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4 बट रिमेनिंग सो मैक्सिमम कोवैलेंसी 6. बिल्कुल सही बोल रहा है. बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इस बात को हम वही डिस्कस करेंगे. या थोड़ा सा मैंने बात बताया है कि देखो सबका वैलेंसी क्या होता है? 3 होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और वैलेंसी 3 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या है? 3 है. लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम वैलेंसी पूछा जाए तो आप बोरॉन को 4 बोलोगे. बोरॉन हैज मैक्सिमम 4 वैलेंसी. कैसे होता है हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे. बाकी का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है 6 होता है. कैसे होता है हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे. नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड. तो बिल्कुल अभी पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े ही नहीं. तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और इसमें, तो इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है. तो पाई बॉन्ड जो है उसका नाम देंगे तो हम वहां इस पॉइंट को वहीं क्लियर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में. पढ़ने को वो नहीं है. द रीजन द अबव एनोमेलस बिहेवियर इज ड्यू टू, ये जो भी रीजन है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, बाकी का 6 है. इन सब का जो रीजन है वो रीजन या तो स्मॉल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है. तो ये आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और बाकी आयनिक बनाते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज. या हम ये बोल रहे हैं कि लार्ज चार्ज बाई रेडियस रेशियो होता है इसका. चार्ज बाई रेडियस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि चार्ज तो उतना ही रहेगा लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा? कम. तो चार्ज उतना ही है और रेडियस कम है तो वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा. चार्ज बाई रेडियस का वैल्यू सब पे प्लस 1 है. चार्ज बाई रेडियस सब पे चार्ज क्या है? तो सब पे चार्ज प्लस 1 है. अब ये रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो वैल्यू क्या होगा? घटेगा ना. प्लस 1 है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5. नीचे का वैल्यू बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नीचे का जब वैल्यू बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या हो रहा है? टोटल वैल्यू बढ़ रहा है. ये 1/5 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? तो जब नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा? वही ना बोल रहा हूँ कि ये जब वैल्यू बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगा? कम होगा. बराबर है क्या? क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है ना, तो टोटल वैल्यू क्या होगा? कम, क्योंकि चार्ज तो सब पे क्या है? सेम है. थर्ड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ग्रुप नंबर सेकेंड में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बाकी के मेंबर से. और अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. उसका मतलब क्या होता है हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे.
ना इसमें कुछ सब फुल होते हैं, लेकिन जो इसके थर्ड पीरियड है उनमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो बताएंगे कैसे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वहीं बॉन्ड जब बना रहे हैं सिखाएंगे तब तो बताएंगे। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, जो है वो आगे हम पढ़ लेंगे। अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एबिलिटी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम फंडामेंटल में आपको टीच किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहाँ एग्जाम्पल ले लेके बताया था ना। तो बस मैं रीड करते जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ, लिख लाए हो ना, लिखने के लिए बोला था। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है पहला पॉइंट। अब एक एक पॉइंट बस समझ लेना, चलो मैं यहां समझा रहा हूं। लिथियम से लिथियम प्लस बना, सोडियम से सोडियम प्लस बना, पोटेशियम से पोटेशियम प्लस बना, रुबिडियम से रुबिडियम प्लस बना, सीजियम से सीजियम प्लस बना। अब आपको बताना है कि जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, जल्दी से आंसर करो सारे, जल्दी से फास्ट ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, सीजियम। तो ये इसका क्या होगा, जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा, होगा ना। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी, एसओपी क्या होगा और एसआरपी क्या होगा, क्योंकि जो काम होता है वो वैल्यू ज्यादा होता है। तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है सबसे ज्यादा, है ना सीजियम, कल पढ़ाया था। तो जिसका हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो यहां से यहां डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा उसका एसओपी ज्यादा। तो यही वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी लिखा है, हमने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, इसको लिख लेना, इसको समझ गया आ गया ना। नेक्स्ट, दे फॉर्म स्टेबल केटायन इन गैसियस स्टेट एज वेल एज एक्वस, हम दोनों में चेक करते हैं, गैसियस में भी चेक करते हैं और एक्वस में भी चेक करते हैं। नेक्स्ट, एटम ऑफ दिस एलिमेंट आर पोटेंशियल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज होकर कहीं जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन सप्लायर होते हैं। तो नीचे लिख के लिखा है M से M प्लस बना। नेक्स्ट पॉइंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सप्लाई वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एबिलिटी। अब ध्यान दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, 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 ऑक्सीडेशन क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। और एजेंट में जब नाम लेंगे तो क्या नाम लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जब करेक्टर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग करेक्टर, दोनों बात एक ही है, एजेंट बोलो या रिड्यूसिंग करेक्टर बोलो एक ही है, या क्या बोलोगे, रिडक्शन एबिलिटी एक ही बात है। तो रिडक्शन एबिलिटी का मतलब ये मत सोच लेना ना कि रिडक्शन हो रहा है, नहीं उल्टा बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना, उल्टा बोलना है। क्लियर हो गया चीजें, तो जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग एबिलिटी। और ये गैसियस और एक्वस दोनों में चेक किया जाता है। अच्छा इतना पॉइंट मेरे को बताओ, क्लियर हो गया, ये ऑक्सीडेशन होता है तो ये वैल्यू ज्यादा होता है, वैल्यू कम होता है, ये हम कहाँ चेक करें, गैसियस फेज में।
जिसपे इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होता है उसके एसआर पी वैल्यू क्या होता है, उसका एसओ पी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी मेंबर से सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? अल्कली मेटल। दैट्स व्हाई अल्कली मेटल का रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज साइज ऑफ मेटल इज मोर एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है, आयोनाइजेशन थे भी क्या है, इजी है। डेट्स वाई ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। अल्कलाइन अर्थमेटल और इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट रिड्यूसिंग एबिलिटी इस पर ध्यान देना इज लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। अगर मैं अल्कली की बात करूं या अल्कलाइन की बात करूं, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, अल्कली। इसीलिए रिड्यूसिंग करेक्टर किसका ज्यादा है, अल्कली का। क्लियर हो गया बातें, जो इसमें लिखना है लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही चीजें इनऑर्गेनिक में भी आ रहा था तुम्हें। डाउट है? संडे बाद लास्ट डे ना, 12-11 को, आफ्टर संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को ना लास्ट डे। ओके, बॉटनी जू एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स नको। तो क्वेश्चन बना रहे हो तुम लोग, आज एंड कर देंगे, कल से डाउट लेंगे। आफ्टर डाउट क्लियरिफिकेशन आई विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। इफ यू हैव डाउट देन टेल मी, अदरवाइज एग्जाम को ठीक है, दो दिन पहले नहीं, मैं दो दिन पहले, हाँ इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, ये क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, वेरिएशन ऑफ रिडक्शन एबिलिटी। रिडक्शन एबिलिटी या रिड्यूसिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट, बात एक ही है। हैव यू एनी डाउट एनी स्टूडेंट, हैव यू एनी डाउट एनी स्टूडेंट, क्योंकि ओके तो जहां ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बोल रहा है, उल्टा। और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, पानी में कौन ज्यादा होता है, समझ में आ गया ना, पानी में जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होता है, इसलिए कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा। ये रटना नहीं है, आया ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना है, वेरिएशन ऑफ रिडक्शन एबिलिटी इन ग्रुप एंड पीरियड। रिडक्शन एबिलिटी मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर बोल रहा है। तो टॉप टू बॉटम अगर गैसियस फेज में हम बात करें तो यहां पर लिखा नहीं है,
तो गैसियस फेज में टॉप टू बॉटम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा, और एक्वस फेज में कम होगा, होगा ना, लिथियम का ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इसको लिख दूं ऑक्सीडेशन बोल दूं, या क्या बोल दूं, शॉर्ट में लिखूं रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एबिलिटी, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस फॉर्म में, गैसियस, और क्या वैल्यू बढ़ेगा इसका, हाँ इतना बातें समझ में आया क्या। लेकिन जब हम बातें कहाँ करेंगे, एक्वस में, तो टॉप टू बॉटम ये हम कहाँ बातें कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन क्या होगा, कम होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सब एक ही बात है ना, इसको बोलो या इसको बोलो बात तो एक ही है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, एबिलिटी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम। अब ये अगर ज्यादा है तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, क्या होगा एसओपी, क्या होगा एसओपी, टॉप टू बॉटम क्या होगा, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है ना ऊपर वाले का, तो एसओपी घटेगा, क्या बढ़ेगा यहां, क्या बढ़ेगा यहां, एसआरपी क्या होगा, हाँ तो सुरटना नहीं है, मैं लिखवा दिया ये, अब कोई डाउट है तो बोलना है इसमें। इसको लिख लेना क्लियर क्लियर वर्ड में, एक भी वर्ड इसमें रटना नहीं है, समझ लो। जो ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ऑक्सीडेशन को हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं, और जब रिडक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा नाम बोलते हैं। और अल्कली और अल्कलाइन में किसका ज्यादा होगा, अल्कली मेटल का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट पेज 16 पे आ जाओ, सबसे ऊपर, इन ए ग्रुप रिड्यूसिंग एबिलिटी जनरली इंक्रीज, तो किस फेज में बात कर रहा है, गैसियस फेज, सीजीएम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एबिलिटी, मतलब उस पर क्या होना, ऑक्सीडेशन होना, रिडक्टेंट, तो रिडक्टेंट सब उल्टा नाम होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिडक्टेंट बोला जाता है। तो टॉप टू बॉटम रिडक्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और सीजीएम इज द बेस्ट रिडक्टेंट अमंग द अवेलेबल एलिमेंट बिकॉज बोथ सबलिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम। सबलिमेशन का मतलब क्या होता है, गैसियस फेज में ले जाना, ले जाने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम सबलिमेशन एनर्जी बोलेंगे। इसको गैसियस फेज में ले जाना में हमें एनर्जी क्या लगता है, कम लगता है, और इलेक्ट्रॉन्स वहां से आउटर सेल से बाहर निकालने में क्या लगता है, कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आर नॉन मेटल, ये तो हम जानते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या होता है, नॉन मेटल होता है। दे यूजुअली हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या होता है, ज्यादा होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ज्यादा होगा ये बताओ मेरे को, चलो हाँ, ये किसके लिए बात कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, तो बताओ नॉन मेटल क्या होना चाहता है, क्या होना चाहता है, तो गेन करेगा तो क्या होगा, क्या होगा,
लॉस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। गेन करेगा तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? तो इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नॉन मेटल, दे आर यूजुअली हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, मतलब एस आर पी वैल्यू ज्यादा होता है। क्लियर हो गया ना पॉइंट? किसी को डाउट है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, हम पहचान लेंगे। तो मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? एसओपी। और नॉन मेटल पे क्या होता है? रिडक्शन। कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, दे फॉर्म स्टेबल एनायन इन गैसियस एज वेल एज एक्वास, दोनों फॉर्म में होता है। एटम ऑफ दिस एलिमेंट पोटेंशियल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन को क्या नाम से जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। उल्टा उल्टा बोलना, इसके जस्ट उल्टा। ये मेटल के लिए तो ये क्लियर हो गया। हेलोजन हैज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट है ना? क्योंकि रिड्यूसिंग हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ज्यादा। तो सब मेरे को बताओ अब, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट जवाब दो, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है? क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं? हम बात करेंगे गैसियस फेज में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? कौन सा वैल्यू कम होगा? हम ऑक्सीडेशन को और किस नाम से जानेंगे? और टॉप टू बॉटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम एसआरपी वैल्यू क्या होगा? एसआरपी विल बी, एसओपी विल बी और एसआरपी विल बी, कोई डाउट है? अब बात करेंगे नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या चाहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन को क्या बोलते हैं? कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? कौन जल्दी गेन करेगा, फ्लोरीन या आयोडीन? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का क्या होगा एसआरपी? हम रिडक्शन को किस नाम से जानेंगे? कोई डाउट है? देख लो, लिख लो, इसको समझ लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन एबिलिटी इन ए ग्रुप और पीरियड। तो बताओ टॉप टू बॉटम क्या होता है? बढ़ेगा। ए टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट है, इन ए पीरियड ऑक्सीडेशन एबिलिटी जनरली इंक्रीज, द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन एबिलिटी ऑफ थर्ड पीरियड।
लेफ्ट टू राइट बोल रहा है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि लॉस करने की, गेन करने की एबिलिटी बढ़ेगी या लॉस करने की एबिलिटी बढ़ेगी, गेन करने की। तो कौन सा वैल्यू बढ़ेगा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो रिडक्शन बढ़ेगा घटेगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इन ए पीरियड ऑक्सीडेशन एबिलिटी, तो क्या होगा, रिडक्शन बढ़ेगा। तो रिडक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाउट आ रहा है क्या, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिडक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। और यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टॉप टू बॉटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होगा। ये जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट को मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन ए पीरियड ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, अब ये हमने मेटल के लिए लिखा है, नॉन मेटल ये तो रिड्यूसिंग करेक्टर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला। पहले आप डिसाइड कर लो कि वो एलिमेंट गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन जल्दी गेन करेगा, तो इसको कौन सा प्रॉपर्टीज बोलेंगे, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कोई डाउट इसमें। उसके बाद है रिएक्टिविटी, तो मुझे बताओ रिएक्टिविटी कल बताया था ना, अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और हैलोजन का क्या होता है, डिक्रीज होता है। अल्कली मेटल भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और हैलोजन फैमिली भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अल्कली मेटल लूज करना चाहता है और हैलोजन फैमिली गेन करना चाहता है। किसी को कोई डाउट है, तो ये टॉपिक आपका एंड हो गया।